डोनेस्क में रूस का सबसे बड़ा हमला डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में मारे गए 180 यूक्रेनी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है रूसी हमले में विदेशी हथियार नेस्तनाबूद हो गए। तो रूसी हमला डोनेस्क दहला कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। तो डोनेस्क में रूस का सबसे बड़ा हमला देखिए, बहुत बड़ा हमला पिछले 24 घंटे में रूस ने किया है डोनेस्क में। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का यह दावा है 180 बहुत बड़ा नंबर है। 24 घंटे में 180 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आइए आपको और डिटेल देते हैं इसकी। रूसी हमला डोनेस्क दहला कैसे, 24 घंटे में 180 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। चेक रिपब्लिक से मिला RM-70 वैम्पायर MLRS तबाह कर दिया रूस ने। अमेरिकी M109 पैलेडिन आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिया। यूक्रेन का एक MSTA-B होविट्जर तबाह कर दिया। यूक्रेन के 4 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल रूस ने तबाह कर दिए। एक और बड़ी खबर है, क्रासनी लिमन में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में मारे गए 80 यूक्रेनी सैनिक। रूस की मिसाइल अटैक से तबाही, रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, यूक्रेन के आर्टिलरी सिस्टम होविट्जर तबाह। तो क्रासनी लिमन की लड़ाई का अब आपको बताते हैं, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको क्रासनी लिमन। ये समझिए आप, ये है क्रासनी लिमन की लड़ाई, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रासनी लिमन। अब इसको वहां पर हम आपको पहले ये बड़ा मैप दिखाते हैं, ये यूक्रेन आप देख रहे हैं, ये डोनेस्क देख रहे हैं, ये है क्रासनी लिमन। इसको अगर और हम जरा जूम इन करें और यहां पर आए तो यहां पर आइए, ये है क्रासनी लिमन जहां पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। और यहां पर 2014 से लिमन इलाके पर कब्जे की जंग जारी है। 4 फरवरी 2016 को यूक्रेन की सांसद ने इसको अपना इलाका बताया। 27 मई 2022 को रूसी सेना ने यहां कब्जा किया था। 10 सितंबर 2022 यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से इसको छुड़ाया और उसके बाद कमांड पाई। 1 अक्टूबर 2022 को रूसी सैनिकों ने यह इलाका छोड़ दिया। लिमन में डोनेस्क रेलवे सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम जंक्शन है। लिमन से ही डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और यहां पर यह लड़ाई बड़ी हो रही है।